क्या 100% रिजल्ट होने वाले हैं, क्या 75% रिजल्ट होने वाले हैं, कितने परसेंट रिजल्ट होने वाले, कितने लोग पास करने वाले, कितने लोग फेल करने वाले हैं। यदि आप भी NIOS का DLED कर रहे हैं, रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है कि इसमें हम कुछ खास बताने वाले रिजल्ट को लेकर। तो चलिए वीडियो को बताते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर DCS क्लास। हमारे DCS क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन इन्वेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में DLED कहते हैं। उन सारे कैंडिडेट, उन सारे टीचर्स के लिए जो NIOS से कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही खास एक इन्फॉर्मेशन लाएँ। आज का सभी का इन्फॉर्मेशन है NIOS DLED जो है, DLED का रिजल्ट के लेकर संबंधित है। क्या इसमें 100% रिजल्ट आने वाले, क्या 75% रिजल्ट आने वाले, क्या पास होंगे, कितने परसेंट फेल होंगे, तो इसी के विषय में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल भी फ्रेशर है और न्यू है, तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो में आप देख पाएँ और हम आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। क्या रिजल्ट 100% होने वाले या 75% रिजल्ट होने वाले, कितने परसेंट पास होने वाले, कितने परसेंट फेल होने वाले। कुछ दिन पहले जो है एक कोई न्यूज़पेपर में जो है NIOS का जो चेयरमैन है CV शर्मा जी ने, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कुछ खास कहे थे। चलिए उसी की ओर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक्स पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक न्यूज़ के माध्यम से आए थे कि DLED की परीक्षा में 75% अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं, यानी कि कहे जा रहे हैं कि 75% जो कैंडिडेट जो है फेल हुए पास हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ यह भी बताया कि इस परीक्षा में लगभग 75% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक DLED कोर्स पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रिजल्ट में हुए विलम्ब के सवाल पर शर्मा जी ने कहा कि अभ्यर्थी की गलती की वजह से रिजल्ट में हुई देरी, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट में देरी हो रहे हैं कि आप सभी ओमार सीट को सही से आप नहीं भर पाए थे, जिसके कारण जो है आप सभी का रिजल्ट को लेकर देरी हो गई। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो रिजल्ट थे वो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आने की संभावना थे, लेकिन फिर जो है डेट को चेंज करके कन्वर्सेशन कर दिए गए और यहाँ पर जो है 75%। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि 75% जो विद्यार्थी है वही सफल कर पाए, तो 25% विद्यार्थी जो फेल होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 25% विद्यार्थी जो है, यानी 25% टीचर्स कौन कौन से आने वाले हैं, ये तो समय ही बताएंगे कि कौन से कैंडिडेट आने वाले हैं। लेकिन जो फेल करेंगे उनके लिए कोई ऑप्शंस रखा या नहीं रखा, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले। यहाँ पर इस बात को तो क्लियर हो चुके हैं कि 75% जो है रिजल्ट हुए। अब 25% जो अनसफल होने वाले हैं, यानी अनसक्सेसफुल होने वाले, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी NIOS दे रही, तो उनके लिए जो है NIOS जो है रिजल्ट के बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी रहेंगे कि आप सभी को 501, 502, 503 का जो है फिर से फॉर्म भरने के लिए आपको अलॉटमेंट किए जाएंगे और उन सभी सब्जेक्टों का आप फिर से दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जिस भी आप सब्जेक्ट में अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं, उसको जो है दोबारा आप रिपीटेशन कर सकते हैं, आप दोबारा जो है दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए सितंबर में परीक्षा, यानी कि जो कैंडिडेट फेल होंगे उनके लिए सितंबर में फिर से जो है परीक्षा लिए जाएंगे। यानी DLED प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए 25 से 29 के बीच में, ठीक है, 25 तारीख से लेकर 29 सितंबर के बीच में परीक्षा आयोजित किए जाएंगी। इसमें अनिवार्य रूप से सभी को उत्तीर्ण होना होगा। आदेश ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद है। यानी कि यहाँ पर यह भी कहे जा रहे हैं कि आप सभी अगर 25% टीचर्स जो है अगर किसी कारणवश रिजल्ट उन लोग का रुक जाते हैं, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, आप तैयारी अपना बरकरार रखें, तैयारी आप करते रहें, आपको तैयारी जो है कम नहीं करने, तैयारी को अपना कंटिन्यू करने। जब सितंबर महीना में आपके पास फिर से आ जाएंगे मौका, तो आप दोबारा सारा का सारा परीक्षा आप दे सकते हैं। बट हमें आशा है कि शायद किसी कारणवश जो अमार सीट के कारण हो सकते हैं 25% जो है रिजल्ट जो है नहीं आ पा रहे, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि दुआ करिए कि 25% जो रिजल्ट है वह भी आ जाए। यानी हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट आए। आप क्या चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, क्या आप भी 100% रिजल्ट चाहते हैं या नहीं चाहते, कि 75% रिजल्ट चाहिए, कि 80% रिजल्ट चाहिए, आपको कितने परसेंट रिजल्ट चाहिए, या नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अनुसार से तो 100%, क्योंकि किसी को जो है फेल नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो है समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मजबूरी में इस कोर्स को करना पड़ा, आपके भारत सरकार के अनुसार जो है नियमित के अनुसार कि सभी टीचर्स को जो है ट्रेंड होने पड़ेंगे DLED करके, कम से कम उतने परसेंटेज जो है लाकर जो है सभी को क्वालिफाइड होने पड़ेंगे, तब
तब जाकर जो है आप आगे का टीचर्स को अपना बरकरार रख सकते हैं। फिर भी अगर 25% रिजल्ट नहीं आते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को वेट करें, इंतजार करें, अपना तैयारी को बरकरार रखें, सितंबर महीना में दोबारा आप दे सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि 100% रिजल्ट होने चाहिए या 75%। आई होप ये वीडियो आपको लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे मोटिवेशनल के तौर पर भी। और आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगे, और NIS से डीलेट से रिलेटेड किसी भी समस्या है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।